हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना, हम वादा करते हैं शबनम छोड़ के चले गई, जरा से भी ना याद आई। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। देखिए शबनम के जाने के दुख में हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए हमने कल वीडियो नहीं डाली। और हम ड्यूओ खेलते थे उसके साथ, लेकिन अब हम सोलो वर्सेस ड्यूओ ही खेल रहे हैं। फिलहाल लगता है हमारी मन की इच्छा पूरी हो चुकी है, यहाँ पर कोई नहीं आया, आराम से हम लूट करेंगे। देखिए भाई साहब, हमारे सामने से एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं और हमें बंदा भी दिख चुका है। हमारे समीप आते ही हम उसे शॉटगन से मारेंगे और वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अबे अबे साला लगा ही नहीं बे, शॉट मिस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, रिलोड करते हैं। अब वो कमरे से बाहर जरूर निकलेगा, उसका दूसरा बंदा भी आ गया। ये हम अबे भाई नॉक क्यों नहीं हुआ? हेलो, ये ले तीसरा। अबे भाई नॉक ही नहीं हुआ। नहीं यार, लगता है हमें पबजी वालों की शिकायत राहुल गांधी जी से करनी पड़ेगी ताकि हमारा गेम सही हो सके। एक तो भाई साहब हमारे गेम में इतने सारे गलीच है, सबसे बड़ा गलीच तो साला यही है कि हम किसी बंदे पर रस करते हैं तो सबसे पहले हम ही ठिलते हैं। अबे पता नहीं क्या है भाई ये, हमने लूट में ध्यान लगाया था कि हमारा ध्यान भंग करने का बोट आ गया, इसलिए इसको दंड भुगतना ही पड़ेगा। और हम इसे श्राप देते हैं कि ये हर एक मैच में ऐसा ही पीलेगा। हमने दोबारा ध्यान लगाया था कि एक रियल बंदा अटक और दो नंबर ने उस पर रस कर दिया, हम उसको इस साइड से कवर देंगे। लेकिन हमें भाई दिख नहीं रहा कहाँ पर है वो। अबे भाई दो नंबर ने तो उसे मार ही दिया, शुक्र है कि दो नंबर ने उसे जाके मार दिया, वरना हमारे ग्लिच के चलते हम मर जाते। इस महायुद्ध की रणभूमि के दूसरे स्थान पर हमें कोई एस्ट्रेल के चलाकर ललकार रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम कितने प्रो हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल ही नूब समझ रखा है। अभी उनको जाके बताते हैं कि हम कौन है वे। सामने ही हमारे एक बंदा है और अभी ये देखिए हम कैसे उसको मारते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमने इसको कैसे मार दिया। ये सब शबनम के जाने के दुख में हो रहा है। अभी दूसरे बंदे की बारी, उसके दूसरे बंदे के जाने के दुख में कुत्ते ने फांसी लगा ली। इन बंदों के साथ जिंदगी सफल नहीं है, इसलिए ये मर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी सफल बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे अंदर अंदर यह बात खाई जा रही थी कि इनका एक कोडवासी अभी भी जीवित है। हमारे टीममेट के अकॉर्डिंग तो सभी मर चुके हैं, लेकिन दो नंबर को मार दिया भाई, दो नंबर को मार दिया। जल्दी चल, जल्दी चल भाई, पूरा फिनिश डाल देगा, नहीं तो पूरा फिनिश डाल दिया भाई, पूरा फिनिश। मार मार साले को, मार भाई, उठ गया, उठ गया। अबे लगता है इस बंदे का नीचे पांव फिसल गया था, या गिरकर मर गया बेचारा सीढ़ियों से, बहुत बुरी मौत हुई इसकी। हम वहां से निकले थे कि सामने के बोट ने अपने असीम शक्तियों का वर्णन करते हुए हमारी गाड़ी को ब्रिज में ठोक दिया, लेकिन हम इस बोट को पूरा फिनिश डाल देंगे। असीम शक्तियों वाले इस बोट को मारने के जश्न में हम अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसी बीच कोई और दखलंदाजी करता है और हमें 3D से डैमेज पड़ता है, लेकिन हम न जाने कैसे यहाँ पर कवर लेते हैं। अभी सामने हमें KD बढ़ाओ मिस्टर दिखा और इसको हमने मारे भी दिया। हम ही जानते कि हम वहाँ से यहाँ कैसे आए, लेकिन अब हमें सामने एक और KD बढ़ाओ मिस्टर उसके साथ एक बंदा दिखा, ये बंदा नोक है और उसको फिनिश भी डाल देंगे। इसको मारने के साथ ही हमारा प्रिय मित्र, हमारा स्क्वाडवासी हमसे पांव पकड़कर आशीर्वाद मांगने लगता है। हम उसे 10 सेकंड तक आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सामने बंदा है, हम अपना आशीर्वाद नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बंदा हो या कोई हो। आशीर्वाद पूर्ण होने के साथ ही वह बंदा भाग जाता है, शायद उसको पता चल गया था कि वह उसे पढ़ने वाली है, लेकिन वो बंदा कहाँ गया हमें कोई अंदाजा नहीं। 3 नंबर भी आशीर्वाद मांग रहा है भैया, हर कोई हमसे आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन हम 3 नंबर को आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। 2 नंबर फिर से हमसे आशीर्वाद मांगना चाहता है भैया। चलो इसकी मन की इच्छा पूरी करते हैं, इसको कवर में ले जाके थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अब हम इसे अपनी पूरी तंत्र विद्या का प्रयोग करके आशीर्वाद देंगे, पूरा बिल्कुल आग वाग जला के, धुआं धुआं फैला के, ताकि इसे दोबारा आशीर्वाद की आवश्यकता न पड़े। अब वो बंदा तो जोन की तरफ रुक कर गया, अब हम भी करते हैं। हमें सामने वाले घर में एक बंदा दिखा, 1 नंबर काफी उत्साह में जाते हुए, लेकिन उसको पता नहीं कि हम उसे अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे ही मार देंगे, नीचे से ही खड़े खड़े KD भी नहीं लगाएंगे। ये कोई स्वीटी नामक बालिका थी जो हमारे हाथों मर गई, बहुत ही बुरा पाप हुआ हमारे हाथों, लेकिन ये हमारे शबनम नहीं थी, फिर भी अच्छा हुआ मर गई। देखिए भाई साहब, जोन भी अपनी चरम सीमा पर था, वह डोन बनना चाहता था, लेकिन हम अपने ऊपर उसे हावी नया होने देंगे। अपार्टमेंट की साइड भी कुछ बंदे थे, जैसे ही हमने अपार्टमेंट में प्रवेश किया तो वो बंदे भाग गए, लेकिन हम उसे आखिरी कोशिश करेंगे मारने की। वो बंदे तो भाग गए, लेकिन कुछ बंदे इस तरफ भी थे, उनमें से एक भी डाउन नहीं हुआ, हमारे एमओ ही खत्म हो गई।
हमारे मस्तिष्क में एक बेफालतू का विचार सूझा कि मैं लेफ्ट से जाता हूँ और एक नंबर तो राइट से आ। यह बहुत ही घटिया था क्योंकि हमें दो दिशाओं से शत्रुओं द्वारा भर दिया गया। और आपको क्या लगा कि हम चिकन डिनर वाला गेम प्ले दिखाएंगे? चलो वे।